नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। जनसंख्या नियंत्रण पर सीएम नीतीश कुमार ने विवादित बयान दिया है, जिसके बाद जहां बीजेपी की तरफ से लगातार उनका विरोध हो रहा है, वहीं जेडीयू और आरजेडी ऐसे ऐसे लॉजिक ढूंढ कर ला रही है जिससे नीतीश कुमार को बयान के बाद क्लीन चिट दी जा सके और नीतीश के शब्दों के चयन से लोगों का ध्यान भटका कर लोगों का ध्यान जिस मुद्दे पर नीतीश बात करना चाहते हैं उस पर लाया जा सके। इस पूरे मामले पर आरजेडी ने एक नया लॉजिक ढूंढ निकाला है। आरजेडी ने नीतीश कुमार का बचाव करते हुए बड़ी बात कही और कहा है कि जो बातें नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा और विधान परिषद में जनसंख्या नियंत्रण पर कही वो बिल्कुल ठीक है। आरजेडी ने ये भी कहा कि जो बात नीतीश ने कही उसी तरह की बात डेवलप कंट्री में घर परिवार के बड़े सदस्य बच्चों को बिठा कर करते हैं। 14-15 साल के बच्चों को बिठा कर इसी तरीके से एजुकेट किया जाता है। इतना ही नहीं, आरजेडी विधायक ने ये भी कहा कि आजकल तो जमाना ऐसा है कि 5 साल 8 साल बच्चियों को भी बिठा कर गुड टच और बैड टच समझाया जाता है। तो ऐसे में अगर नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए आम लोगों को बोलचाल की भाषा में कुछ समझाने की कोशिश की तो नीतीश गलत कैसे हो गए? क्या कुछ कहा आरजेडी के विधायक ने वो जरा सुनिए। वरना डेवलप कंट्री में तो तमाम बाप बेटा बेटी बैठ किस तरह से बात करते हैं, कैसे कैसे क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या उपयोग करना चाहिए। बच्चे का उम्र 14 साल हो गया तो बताते हैं उसके माँ बाप, माँ तो माँ, पिता बताता है, भाई बताता है। जैसे ही आरजेडी के विधायक ने नीतीश कुमार के बचाव में विदेश वाला लॉजिक दिया, उसके बाद बीजेपी भड़क गई और बीजेपी ने तीखा पलटवार आरजेडी पर किया। तो पहले तो अपने सभी आरजेडी और महागठबंधन के विधायकों को विदेश भेज दें, पताया भेज दें, बैंकॉक भेज दें कि जाके वहाँ से ट्रेनिंग लेके आ जाएं, तब ना बिहार में सिखाएंगे। इनके पास कुछ बचा ही नहीं है, जिसकी बात कर रहे हैं कि विदेश में बच्चे माता पिता और बाप बेटा बैठते हैं, अलूल जलूल शब्दों का इस्तेमाल सदन में करते हैं, ये सेक्सोलॉजी की पढ़ाई कराना चाहते हैं बिहार के विधानसभा में, ये काफी दुखद है। पूरा देश इनके इस व्यवहार से दुखी है। आरजेडी के विधायक ने कहा है, आरजेडी के विधायक ने कहा है कि विदेशों में हम लोग तो डिप्टी सीएम से भी इस्तीफा चाहेंगे कि डिप्टी सीएम इस्तीफा करे। उन्होंने नीतीश जी का पक्ष लिया और नीतीश जी ने माफी मांग लिया। इस टॉपिक पे बातचीत करते हैं तो मुख्यमंत्री ने तो जागरूकता के लिए विदेश नहीं ना है, शाहरुल इमाम विदेश में है, उन लोगों का कल्चर तो दूसरा ही है। तो देखा आपने किस तरीके से एक बयान देकर नीतीश कुमार सुर्खियों में हैं और उनके समर्थक जहां उनके बचाव के लिए नए नए तरीके नए नए लॉजिक ढूंढ रहे हैं, वहीं बीजेपी हर बार पर पलटवार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। पटना से हमारे संवाददाता अनिकेत की रिपोर्ट आप देख रहे थे।